नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में कक्षा छठी के लिए हमने बाल रामायण कथा में पाठ क्रमांक दूसरा देखा था, जिसका नाम था जंगल और जनकपुरी। पिछले पाठ में हमने यह देखा था कि जो राम और लक्ष्मण हैं, यह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और उनके दिए गए वचन के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़ते हैं, और वह इसलिए निकल पड़ते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में अगर कोई बाधा डाले, अगर कोई विघ्न डालने की कोशिश करे, तो वह उनसे उनकी रक्षा करे तथा अनुष्ठान पूर्ण होने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी की मदद करें। सरयू नदी के किनारे के तट से जब यह लोग चलने लगते हैं तो उसी वक्त वहां रुक जाते हैं। वहां रुकने के बाद जब वह नदी पार करके नाव के सहारे वह जब गंगा नदी पार करते हैं, तो पार करने के बाद जब वह घने जंगल में पहुंच जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, उस जंगल में एक भयानक राक्षसी को देखते हैं जिसका नाम होता है ताड़का। जब वह भयानक राक्षसी के बारे में सुनते हैं कि वह उस वन में कोई भी अगर प्रवेश करता है तो उस पर हमला करके, उस पर आक्रमण करके वह क्या करती है, उसका वध कर देती है, उसे मार डालती है। तो उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, राम इनको आज्ञा दे देते हैं कि वह क्या करें, इस ताड़का राक्षसी का वध करें, उसे मार डाले, उसे मिटा डाले। महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा मानकर राम क्या करते हैं, उस भयानक राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं, और वह जो सुंदर वन है जिसका नाम ताड़का वन पड़ गया था, उस वन को वह क्या करते हैं, राक्षसी ताड़का जो है उसके भय से मुक्त कर देते हैं, वह जंगल भयमुक्त कर देते हैं। जब यहां हो जाता है कि वह उस जंगल को भयमुक्त कर देते हैं, तो उसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी, राम तथा लक्ष्मण, यह तीनों क्या करते हैं, आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। आगे का सफर तय करके यह तीनों क्या करते हैं, सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। जब यह सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं तो जो आश्रम वासी होते हैं वह क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी, राम तथा लक्ष्मण, इन तीनों का वह क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और वह अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वह इस कारणवश करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि वह जो जंगल है उस जंगल को राक्षसी ताड़का के भय से मुक्त करते हैं। यह होने के बाद हमने आगे यह देखा कि जब आश्रम वासी इन तीनों का स्वागत करते हैं, इन तीनों का अभिनंदन करते हैं, तो अगले दिन ही महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, अपने अनुष्ठान की तैयारियां करने लग जाते हैं। अनुष्ठान की तैयारी पूरी हो जाती है। तैयारियां पूरी हो जाने के बाद अनुष्ठान जो है वह शुरू हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र जी अनुष्ठान का आरंभ कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र जो है वह अनुष्ठान का आरंभ कर देते हैं, तो उसी वक्त आश्रम जो है, कौन सा आश्रम है, सिद्धाश्रम, तो इस सिद्धाश्रम की रक्षा का जो भार है वह रक्षा का भार क्या हो जाता है, राम तथा लक्ष्मण यह दोनों क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी कि आश्रम की रक्षा करने का जो पूरा भार है वह किस पर आ जाता है, राम तथा लक्ष्मण पर आ जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो राम लक्ष्मण यह क्या करते हैं कि कमर में तलवार लिए, पीठ पर तुनीर लिए, हाथ में धनुष प्रत्यंचा चढ़ा है, वह क्या करते हैं, जागते रहते हैं। आश्रम की रक्षा करने के लिए वह पूर्ण तैयार थे। अनुष्ठान निर्विघ्न क्या होने लगता है कि पूरा होने लगता है। जब अनुष्ठान जो है वह निर्विघ्न पूर्ण होने लगता है, तो उसी वक्त जब अनुष्ठान का अंतिम दिन होता है, क्या होता है, अनुष्ठान का जो अंतिम दिन होता है, उस अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि आकाश से आवाजें आने लगती है। क्या होने लगता है, आकाश से आवाजें आने लगती है। तो अब यहाँ आकाश से आवाजें क्यों आने लगते हैं, अब देखिए, यह आकाश से आवाजें इसलिए आने लगती है कि सुबाहु तथा मारीच, यह जो दो राक्षस हैं, यह जो दो राक्षस हैं, यह दो राक्षस क्या करने लगते हैं,
दल और बदल इन दोनों को अपने साथ लेकर आश्रम पर धावा बोलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आश्रम पर धावा बोलने लगते हैं, यानी कि आश्रम पर वह क्या करने लगते हैं? आक्रमण करने लगते हैं। जब वह आश्रम में आक्रमण कर देते हैं तो यह हो जाता है कि जो मारिच है वह इसलिए आश्रम जो है उस पर आक्रमण कर देता है कि उसकी जो माँ है उसकी माँ का वध हुआ है और इस वध के कारण वह अत्यंत क्रोधित था और क्रोध में आकर वह क्या करता है? आश्रम पर धावा बोल देता है, यानी कि आक्रमण कर देता है। अब देखिए, जब मारिच आक्रमण कर देता है तो राम जो है वह भी चुप नहीं बैठते, वह भी क्या करते हैं? अपना धनुष उठा लेते हैं और अपना धनुष उठाने के बाद वह भी क्या कर देते हैं? प्रतिउत्तर देने लगते हैं। राम का बाण लगते ही मारिच राक्षस जो है वह क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है। मूर्छित हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है और बाण का वेग कितना तेज होता है कि उस बाण के वेग के कारण वह क्या हो जाता है? समुद्र के किनारे गिर पड़ता है। समुद्र के किनारे गिर पड़ता है और जब वह बेहोशी से होश में आ जाता है, उसे जब होश आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? उस ओर की जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा की ओर वह भाग खड़ा होता है, यानी कि वह डर जाता है। पिछली तासिका में बच्चों हमने यहाँ तक देखा था, अब हम पाठ के आगे की ओर पढ़ते हैं। राम के दूसरे बाण से सुबाहु वही मर गया। अब देखिए, सुबाहु और मारिच इन दोनों ने क्या किया था? दल बदल इनका सहारा लेकर या इनकी सहायता से आश्रम पर हमला बोल दिया था। जब मारिच राम के बाण से आहत हो जाता है तो आहत होकर वह क्या हो जाता है? बाण के वेग से या तेजी से बाण आने के कारण वह दूर जाकर समुद्र के किनारे ही गिर जाता है। परंतु राम का जो दूसरा बाण है जो सुबाहु को लग जाता है तो उस बाण के प्रहार को वह सह नहीं पाता और उस बाण के प्रहार के कारण सुबाहु वही मृत्युमुखी हो जाता है, वही मर जाता है। सुबाहु के मरते ही राक्षस सेना जो है वह भगदड़ मच जाती है। देखिए, कोई अपना सेना नायक है और उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में तो सैनिक भी क्या हो जाते हैं? बौखला जाते हैं। और ठीक ऐसा ही यहां पर हो जाता है कि जैसे ही राम का बाण जो है वह सुबाहु को लग जाता है, राम के बाण से जब सुबाहु आहत हो जाता है, घायल हो जाता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है राम के बाण के प्रहार के वजह से, तो सुबाहु के मृत्यु पश्चात या सुबाहु के मृत्यु कारण उनकी जो राक्षस सेना थी उस राक्षस सेना में पूरी क्या हो जाती है? भगदड़ मच जाती है। और जब वह भगदड़ मच जाती है तो सैनिक बौखला जाते हैं, वह घबरा जाते हैं, वह उधर उधर भागने लगते हैं। तो इसी बीच क्या हो जाते हैं? कुछ राक्षस जो है वह राक्षस जो लक्ष्मण है उनके बाण के शिकार हो जाते हैं, यानी कि लक्ष्मण भी क्या करे, बाण चला रहे हैं और उनके बाण कई राक्षसों को भी लग जाते हैं जिसके कारण कुछ राक्षसों की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह सारा दृश्य देखकर कुछ राक्षस सेना जो है उसमें से कुछ राक्षस डर जाते हैं और डर के मारे वह क्या करते हैं? उस जगह को छोड़कर भाग खड़े हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। जब यह युद्ध आरंभ था तो उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र जी जो है उनका अनुष्ठान जो है वह अनुष्ठान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जब उनका अनुष्ठान समाप्त हो जाता है तो उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं? राम को गले से लगा लेते हैं और मिथिला चलने के लिए कहते हैं। अब देखिए, इनका सफर यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है। महर्षि विश्वामित्र जी ने दशरथ राजा से कहा था कि उनका अनुष्ठान जो है वह समाप्त होने के बाद वह क्या करेंगे? राम और लक्ष्मण को पुनः उनके पास वापस भेज देंगे। परंतु जब महर्षि विश्वामित्र जी अपना अनुष्ठान पूर्ण समाप्त करते हैं, उनका अनुष्ठान निर्विघ्न जब संपन्न हो जाता है तो वह क्या करते हैं? राम को अपने गले लगा लेते हैं। और जब वह राम को अपने गले लगा लेते हैं तो वह क्या करते हैं कि राम से और एक बात कहते हैं, और वह बात यह कहते हैं कि वह महर्षि विश्वामित्र जी के साथ क्या करें? मिथिला चलने के लिए तैयार हो जाए।
मतलब देखिए, अनुष्ठान खत्म हो गया तो उन्होंने वापस राम और लक्ष्मण को उनके शहर भेज दिया, उनके नगर भेज दिया? नहीं, तो यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी जो है वहाँ पुनः राम और लक्ष्मण को अपने साथ कहाँ ले जाना चाहते हैं? मिथिला नगरी ले जाना चाहते हैं। बच्चों, राम और लक्ष्मण पुनः उससे क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं? मिथिला नगरी ले जाना चाहते हैं। अब देखिए, राम लक्ष्मण क्या होते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा मान लेते हैं और उनका मिथिला नगरी में गमन हो जाता है। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। जैसे ही महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें आज्ञा की कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनके साथ मिथिला नगरी चलना चाहिए, तो उसी वक्त महर्षि की यह जो आज्ञा है, विश्वामित्र जी महर्षि की, उनकी आज्ञा यह लोग क्या करते हैं, यह लोग यानी कि राम और लक्ष्मण, यह दोनों क्या करते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं। और उनकी आज्ञा स्वीकृत करने के बाद राम और लक्ष्मण जो है दोनों भाई भाई महर्षि विश्वामित्र जी के साथ क्या करते हैं, मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, मिथिला नगरी की ओर चल पड़ते हैं। स्वर्ण नदी पार करके विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण मिथिला नगरी की सीमा के पास पहुंचे। अब देखिए, जिस प्रकार इन्होंने गंगा नदी पार कर, ये लोग कहाँ पहुंचे थे, सिद्धाश्रम पहुंच चुके थे। और उसी प्रकार जो सोन नदी है, कौन सी नदी है बच्चों, सोन नदी, तो इस सोन नदी को पार करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण, यह तीनों क्या कर चुके हैं, मिथिला नगरी की सीमा के पास जाकर पहुंच चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, राजा जनक के महल में पहुंचे। जब यहां मिथिला नगरी के सीमा तक पहुंच चुके, तो वहां आगे का सफर तय कर के वहां कहां चुके हैं, कहां जा चुके हैं बच्चों? जी हाँ, राजा जनक जो है, जो मिथिला के राजा है, उनके महल के पास जा चुके हैं, उनके महल में पहुंच चुके हैं। किसके महल में पहुंच चुके हैं बच्चों? राजा जनक, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। अब देखिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वह किसका स्वरूप होते हैं? जी हाँ, ईश्वर का स्वरूप होते हैं। आज के दौर में ही नहीं, पहले जमाने भी यह क्या करते थे, लोग माना करते थे कि अतिथि क्या है, ईश्वर का स्वरूप होता है, उसकी आवभगत करनी चाहिए। तो इसी उक्ति के अनुसार राजा जनक जो है, जो मिथिला नगरी के राजा है, वह भी क्या करते हैं, उन्हें जब यह समाचार प्राप्त होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी उनके महल में आकर पहुंच चुके हैं, तो तुरंत वह क्या करते हैं, तुरंत वह यानी कि राजा जनक जो है, वह तुरंत क्या करते हैं, महल से बाहर आते हैं, और जो महर्षि विश्वामित्र जी उनके महल में आकर पहुंचे हैं, उनका वह क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं उनका। जो विदेह राज है, वह विदेह राज उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी जो है, वह मिथिला नगरी में पधार चुके हैं, और वह उनका आगमन कहाँ हो चुका है, महल में हो चुका है। यह देखकर जो विदेह राज है, वह क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं। चकित होना यानी कि आश्चर्य होना उन्हें इस बात का लेकर। उन्होंने राजकुमारों के विषय में पूछा। महर्षि विश्वामित्र को तो यह सब लोग जानते थे, परंतु उनके साथ यह जो दो लोग आए हैं, जो नए हैं, तो वह राजकुमार कौन है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं था। और वह कौन है, यह जानने की उत्सुकता जो होती है, वह तो सबके मन में थी कि यह दो लोग महर्षि विश्वामित्र जी के साथ कौन आए हैं। तो इसीलिए वह क्या करते हैं, जो विदेह राज है, वह उन्हें देखकर तो चकित हो जाते हैं, उन्हें आश्चर्य हो जाता है कि ये यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि महर्षि विश्वामित्र जी जो है, उन्हें यह जो दो राजकुमार आए हैं, उनके विषय में पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, और आपके साथ किस प्रकार से आए हैं, कैसे आए हैं। ऐसे अनेक सवाल वह क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं। यानी कि अर्थात क्या हो गया कि यह जो दो राजकुमार है, उनके बारे में विदेह राज जी क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी से पूछताछ करते हैं। महर्षि ने उन्हें बताया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। यह दोनों क्या हैं? महर्षि विश्वामित्र जी जो है, वह विदेहराज को यह बताते हैं कि यह दोनों जो राजकुमार हैं, जो मेरे साथ आए हुए हैं, वह दोनों क्या हैं? राजा दशरथ जो हैं, उनके पुत्र हैं,
और इन दोनों का नाम क्या है, राम और लक्ष्मण है। यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि उनके साथ जो दो लोग आए हैं, जो राजकुमार हैं, वह दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं, और राजा दशरथ के पुत्र होने के साथ साथ ही उनके नाम भी वह बताते हैं कि इनके नाम राम तथा लक्ष्मण हैं। और महर्षि विश्वामित्र यह बताते हैं आगे चलकर कि इन्हें मैं क्या कर चुका हूँ, अपने साथ लाया हूँ, और वह यह भी बताते हैं कि इन्हें मैं अपने साथ लाया हूँ और क्यों मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि आपका जो यह अद्भुत शिव धनुष है, वह अद्भुत शिव धनुष मैं क्या करना चाहता हूँ, राम और लक्ष्मण इन दोनों को दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर चुका हूँ, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ लाया हूँ। देखिए महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह राम और लक्ष्मण का परिचय करवाते हैं और उनको अपने साथ लाने की वजह भी बताते हैं, और वह इस यह बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि राम और लक्ष्मण यह दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, और उन्हें अपने साथ लाने की वजह वह यह बताते हैं कि जो इनका यानी कि विधेयराज का यानी कि राजा जनक का जो अद्भुत शिव धनुष है, वह अद्भुत शिव धनुष वह क्या करना चाहते हैं, राम तथा लक्ष्मण इन दोनों को दिखाना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, इन दोनों राजकुमारों को राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाया है। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हो जाते हैं। अब देखिए मुनिवर जो है यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह राम और लक्ष्मण को राजा जनक के पास होने वाला जो अद्भुत शिव धनुष है वह दिखाने के लिए लेकर आए, यह उन्होंने स्पष्ट किया है। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो सभी आमंत्रित लोग यानी कि जितने भी आमंत्रित यानी कि जिन लोगों को बुलाया गया है, जिन लोगों को आमंत्रण दिया है, वह सारे आमंत्रित लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। उनके साथ ही साथ ऋषि मुनि और जो राजकुमार वहाँ आए हुए हैं वह भी क्या करते हैं, वहाँ की जो यज्ञशाला है उस यज्ञशाला में उपस्थित होते हैं। शिव धनुष को विशाल लोहे की पेटी में रखा था। यह जो अद्भुत शिव धनुष था उसको कहाँ रखा था बच्चों? जी हाँ, विशाल यानी कि बहुत बड़ी जो लोहे की पेटी है उसमें रखा था, और उस पेटी को 8 पहिए लगे हुए थे। उस पेटी को कितने पहिए लगे हुए थे? जी हाँ, 8 पहिए लगे हुए थे। पहियों से खिसका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। वह जो अद्भुत शिव धनुष जिस पेटी में रखा हुआ था, वह पेटी बहुत बड़ी और लोहे की बनी हुई थी, विशाल पेटी थी और लोहे की बनी हुई थी, तो उसे आसानी से खींचा नहीं जाता था। तो इसीलिए उस पेटी को क्या किए थे, 8 पहिए लगाए थे, और वह 8 पहिए इसलिए लगाए थे कि आसानी से उस पेटी को जिसमें अद्भुत शिव धनुष है एक जगह से दूसरी जगह खींच कर लिया जाए, लेकर जाया जाए। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि उसको जो पहिए लगाए हुए उस पहियों से ही खिसक कर क्या होता था, उस पेटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और वह इतनी विशाल और भारी भरकम थी कि उसे उठाना असंभव था, लगभग उसे उठाना क्या था, असंभव था, यानी कि कोई उसे उठा नहीं पाता था, इतनी वह विशाल पेटी थी। विदेहराज जनक ने मुनिवर को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है। अब देखिए जब महर्षि विश्वामित्र तथा विदेहराज जनक जी जो है इनके बीच में जब वार्तालाप हो रहा था यानी कि इनके बीच में जब बातचीत हो रही थी, तो उसी वक्त जो जनक है, विदेहराज जनक जी जो है वह क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी को यह बताते हैं, उनसे कहते हैं कि मुनिवर मैंने क्या की है, एक प्रतिज्ञा की है, मैंने क्या की है, एक प्रतिज्ञा की है। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार वह बताते हैं कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है, कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंच चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देखिए राजा जनक जो है, विदेहराज जनक जो है, उन्होंने क्या की है, एक प्रतिज्ञा की है, और उनकी प्रतिज्ञा यह है कि यह जो भारी भरकम अद्भुत जो शिव धनुष है, इस शिव धनुष को जो भी व्यक्ति उठाएगा, सिर्फ उसे उठाना नहीं है, उस शिव धनुष को उठाकर उस पे क्या करनी है, प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा कि उस शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो उसी के साथ क्या होगा, सीता का विवाह होगा। अब सीता कौन है पता है बच्चों आपको? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, सीता राजा जनक की पुत्री है। सीता राजा
जनक की पुत्री है, तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि उनकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से होगा कि जो भी इस अद्भुत शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ठीक है, तो उनकी यह जो प्रतिज्ञा है वह क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी से बता देते हैं। कई राजकुमारों ने प्रयास किया परंतु असफल रहे। अब देखिए, कई राजकुमार सीता से विवाह करने के लिए इच्छुक थे, तो उन्होंने क्या किया, उस शिव धनुष को उठाने का तथा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु अनेक प्रयास करने के बाद भी कोई राजकुमार इसमें सफल नहीं हुए। यानी कि देखिए, वह अद्भुत शिव धनुष कैसा होगा, आप सोचिए जरा कि इतने बड़े बड़े राजकुमार आए थे, काफी जगह से आए थे, परंतु किसी को भी यह संभव नहीं हुआ कि उस धनुष को उठाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। धनुष को उठाना तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। देखिए यह शिव धनुष कितना अद्भुत था, कितना भारी बड़ा था कि उस शिव धनुष को उठाना तो काफी दूर की बात है, कोई उसे हाथ लगाकर अपनी जगह से हिला भी नहीं पाया। यानी कि कितना अद्भुत यह शिव धनुष था कि इतने सारे राजकुमार आए थे, उसी में से किसी ने भी उसको हिलाया भी नहीं, किसी ने उठाना तो काफी दूर की बात है। अब देखिए, जब कोई राजकुमार उसे उठा नहीं पा रहा है, उठाना तो बहुत दूर की बात है, अपने उस शिव धनुष को रखे हुए जगह से कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा है, तो राजा जनक को काफी चिंता होने लगती है कि सीता का विवाह कैसे होगा, क्योंकि उस पर धनुष को उठाकर उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी व्यक्ति से सीता विवाह करेगी। तो विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष देखने की आज्ञा दी। सारे राजकुमारों ने प्रयास किए परंतु कोई सफल नहीं हुआ, तो विदेहराज तो चिंतित हो गए कि अपनी बेटी का विवाह कैसे होगा, अपनी पुत्री का विवाह कैसे होगा। तो विदेहराज का संकेत समझकर, यानी कि उनकी चिंता समझकर, महर्षि विश्वामित्र जी जो होते हैं वह क्या करते हैं, राम को कहते हैं कि तुम क्या करो, धनुष को देखो। राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र तो लेकर तो इसलिए आए थे कि यह जो अद्भुत शिव धनुष है उसके दर्शन राम और लक्ष्मण कर ले, उसे देख ले। तो राजा जनक का संकेत पाकर या राजा जनक का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, राम को यह आज्ञा दे देते हैं कि वह क्या करें, आगे जाकर उस धनुष को देखें। राम ने महर्षि की आज्ञा पाते ही विशाल धनुष को सहज ही उठा लिया और ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। अब देखिए, महर्षि की आज्ञा जब प्राप्त की राम ने, तो उनकी आज्ञा के अनुसार वह धनुष देखने के लिए चला जाता है और काफी सहजता से वह क्या करता है, वह यानी कि राम काफी सहजता से राम क्या कर लेते हैं, धनुष को उठा लेते हैं, और धनुष को उठाने के बाद ऊपर से दबाकर वह क्या करते हैं, उसकी प्रत्यंचा खींच लेते हैं। जैसे ही ऊपर से दबाव आता है और प्रत्यंचा खींची जाती है, तो उस दबाव के कारण क्या हो जाता है, वह जो अद्भुत शिव धनुष है, वह अद्भुत शिव धनुष बीच में से ही टूट जाता है, बीच में से ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब वह बीच में से ही टूट जाता है, तो उसी वक्त धनुष टूटने का दुख नहीं होता किसी को, परंतु जब वह धनुष टूट जाता है बीच में से ही, तो उसी वक्त राजा जो जनक है, महाराजा जनक जो है, वह क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें अधिक खुशी हो जाती है, वह अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। क्यों अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी खुशी हो जाती है कि राजा दशरथ के पुत्र जो है राम, इन्होंने क्या किया कि काफी सहजता से उन्होंने उस धनुष को उठाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची और धनुष को बीच में से ही तोड़ा। तो देखिए, धनुष टूटने का दुख तो नहीं हुआ, परंतु धनुष टूटने की उन्हें काफी प्रसन्नता हुई, उन्हें काफी खुशी हुई कि राम ने क्या किया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया, जैसे कि हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी पुत्री जो है, अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिले, जो उसकी रक्षा करे, जो उसका सम्मान करे, जो उसे काफी अच्छे तरीके से संभाले। और यह सारे गुण किसमें मौजूद थे, राम में थे, और इसीलिए महाराजा दशरथ जो है वह अत्यंत
सॉरी महाराजा जनक जो है वह अपनी पुत्री के लिए अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि अपनी पुत्री के लिए अत्यंत योग्य वर मिल चुका है। महर्षि की अनुमति से दूत क्या किया जाता है, अयोध्या भेजा जाता है। भारत के स्वागत की तैयारियां होने लगती है। अब देखिए महर्षि विश्वामित्र जी हैं, उनकी अनुमति ली जाती है और राम का सीता के साथ विवाह होने वाला है यह जो समाचार है वह समाचार दूत की सहायता से क्या किया जाता है, अयोध्या की ओर भेजा जाता है। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगती है। जैसे कि बारात आएगी तो बारात ऐसे ही आएगी नहीं, तो बारात के आने की जो स्वागत की जो तैयारियां हैं वो बड़े धूमधाम से चलने लगती है। हाथी घोड़े रथ सेना के साथ बारात 5 दिन में मिथिला पहुंच गई। अब देखिए सिर्फ राम लक्ष्मण आए क्या सीता को लेकर, नहीं आए, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो बारात निकलती है वहां से तो बारात के साथ हाथी घोड़े रथ काफी सारी सेना क्या हो जाती है बारात के साथ निकलती है और यह बारात जो है वह कितने दिनों में पहुंच जाती है मिथिला नगरी, 5 दिन में मिथिला नगरी पहुंच जाती है। विवाह से पहले विदेह राज ने राजा दशरथ से कहा, अब देखिए विवाह तो तय है कि राम का लक्ष्मण के साथ विवाह होने वाला है, परंतु विवाह से पूर्व विदेह राज जो है जनक जी जो है वह क्या करते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं, उनसे वह कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो इस अद्भुत शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, तो मेरी यह जो प्रतिज्ञा है, मेरी यह प्रतिज्ञा किसने पूरी की है, आपके पुत्र ने यानी कि राम ने पूरी कर ली है। तो बड़ी बेटी सीता को राम ने क्या किया है, यह प्रतिज्ञा जो है वह पूरी करके उन्होंने अपनाया है, यानी कि राम ने सीता को अपनाया है ऐसे वह कहते हैं। और आगे चलकर वह यह बताते हैं कि उनकी और एक इच्छा है, किसकी और एक इच्छा है, विदेहराज जनक जी जो है उनकी और एक इच्छा है कि उनकी जो छोटी पुत्री है उसका विवाह क्या हो जाए, लक्ष्मण के साथ हो जाए, ऐसी वह अपनी इच्छा जो है वह राजा दशरथ के सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि भरत और शत्रुघ्न के लिए उनका जो छोटा भाई है उस छोटे भाई की भी पुत्रियां हैं जिनका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो इनको स्वीकार कर लीजिए, ऐसी नम्र विनती राजा जनक जो है वह क्या करते हैं, राजा दशरथ जी से करते हैं। यानी कि देखिए यह जो चारों भाई हैं, कौन कौन से चारों भाई हैं बच्चों बोलिए, जी हाँ राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, यह जो चारों भाई हैं इन चारों भाइयों के लिए यानी इन चारों भाइयों के विवाह के लिए राजा जनक जी जो है वह अपनी दो पुत्रियां तथा उनके जो छोटे भाई हैं उनकी जो दो पुत्रियां हैं इनके विवाह का प्रस्ताव वह क्या करते हैं, राजा दशरथ के सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि राम ने तो मेरी बड़ी बेटी को स्वीकार कर लिया है पत्नी के स्वरूप में जिसका नाम है सीता, तो वह कहते हैं कि मेरी जो छोटी पुत्री है उसका विवाह मैं क्या करना चाहता हूँ, लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। और उसी के साथ वह यह बताते हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं उनकी जो दो पुत्रियां हैं कि जिनका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो इन दोनों को भी वह क्या करे, भरत तथा शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कर ले। राजा दशरथ ने क्या किया, राजा जनक का यह जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया और अपने चारों पुत्रों का उन्होंने क्या किया, विवाह कर दिया। देखिए राजा जनक ने जो प्रस्ताव रखा, किसके सामने प्रस्ताव रखा बच्चों, राजा दशरथ के सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने प्रस्ताव यह रखा कि उनकी पुत्रियों के साथ उनके भाइयों की जो पुत्रियां हैं मांडवी तथा श्रुतकीर्ति इनको भी वह क्या कर ले, अपने भरत तथा शत्रुघ्न के लिए वधु के रूप में स्वीकृत कर ले। तो यह प्रस्ताव राजा दशरथ क्या करते हैं, काफी बड़े प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेते हैं। और जब जैसे ही वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो वह अपने चारों पुत्रों का विवाह क्या करते हैं, संपन्न कर देते हैं। तो बच्चों देखिए जंगल और जनकपुरी, जंगल और जनकपुरी यह जो पाठ है, इस पाठ में हमने यह देखा कि महर्षि विश्वामित्र जो जी हैं इनके साथ क्या हो जाता है, राम और लक्ष्मण इनका गमन हो जाता है, उनके साथ वह चले जाते हैं
और जब वह जा रहे हैं तो रास्ते में जब इन्हें ताड़का वन लग जाता है तो ताड़का वन में वह क्या करते हैं, राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं। राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वह आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया था, अपना अनुष्ठान पूरा किया था। और इस अनुष्ठान के बीच में क्या हो चुका था कि राम लक्ष्मण इनका युद्ध किसके साथ हो चुका था बच्चों, सुबाहु तथा मारिच के साथ इनका युद्ध हो चुका था। और इस युद्ध में सुबाहु की मृत्यु हो जाती है और मारिच जो है वह क्या करता है, वहां से भाग खड़ा हो जाता है। अनुष्ठान जब संपन्न हो जाता है तो महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ कहां लेकर जाते हैं, जी हाँ, मिथिला नगरी लेकर जाते हैं। और मिथिला नगरी लेकर जाने के बाद वहां पर क्या हो जाता है, राम जो है वह महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से जो अद्भुत विशाल शिवधनुष है उसको काफी सहजता से उठा भी लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो उस दबाव से क्या हो जाता है, वह धनुष आधे में ही टूट जाता है। यह होने के बाद विदेहराज जनक जी जो है उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती है कि उनके जो पुत्री है सीता उसके लिए उन्हें योग्य वर मिल जाता है जो राम होते हैं। तो इन दोनों के विवाह की तैयारी की जाती है और क्या हो जाता है कि अयोध्या दूत भेजा जाता है और बारात के आगमन की तैयारियां की जाती हैं। हाथी घोड़े रथ सेना इनके साथ बारात क्या हो जाती है, 5 दिनों में वहां पहुंच जाती है। और केवल राम और सीता का ही विवाह नहीं होता, राम और सीता के विवाह के साथ राजा जनक जो है उनके प्रस्ताव को राजा दशरथ स्वीकृत कर लेते हैं और उनकी छोटी पुत्री का विवाह, राजा जनक की छोटी पुत्री का विवाह लक्ष्मण के साथ करा देते हैं। और उनके दो उनकी जो भाई की जो दो बेटियां हैं मांडवी तथा श्रुत कीर्ति, इनका विवाह भी वह क्या करते हैं, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ कर देते हैं। और यह जो विवाह है वह क्या हो जाता है, बहुत आनंदता से प्रसन्नता से संपन्न हो जाता है। यहाँ पर हमने जंगल और जनकपुरी यह पाठ समाप्त किया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।